गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 8 पर केमिकल बॉन्डिंग के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो पहले हम समझना शुरू करेंगे व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आखिर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। और इसके पहले हमने आपसे बात किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें बताया था हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो क्यों जरूरत पड़ी इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझना शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड दिया हुआ है, बेरिलियम क्लोराइड जो दिया हुआ है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करेंगे तो पहले कितना आपको दिखेगा, 4 एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरा आप करें 1s2 और कितना होगा 2s2। और यहां पर आगे और क्या ले सकते हैं, 2p0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर अगर आप s के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये आपका क्या है, दैट इज वैलेंस सेल है। ये क्या है, वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल है। और आउटर मोस्ट सेल ही जो होता है वो क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है व्हेन द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप देन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड। लेकिन यहां पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, तब क्या होगा, तब होगा क्या, एक्साइटेशन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट होकर 2s से कहां जाएंगे, 2p में। अब ये एनर्जी कहां से मिलेगी, ये एनर्जी मिलेगी आपको जब सीएल बेरिलियम को अप्रोच करता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से कहां प्रमोट होता है, 2p में। तब क्या होता है, जरा आप समझें बात को, यहां पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये क्या बेटा 2s और ये क्या है 2p। ठीक है। और इसी तरह हम सीएल के बारे में बात करें, सीएल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर कितना, 17। इसको आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, कितना होगा, 3p5। तो हमें वैलेंस सेल से मतलब है, तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा आप करें यहाँ पे। ठीक है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करें, तो एक सीएल आपका हमने बनाया। चलिए एक और बना देते हैं, जिसमें कि हमें मतलब किससे है, लास्ट वाले से मतलब है, इसीलिए लास्ट वाले को हमने मेंशन किया है। अब होता क्या है, बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है 2pz ऑफ द क्लोरीन पहला, और दूसरा जो है 2p ऑर्बिटल ओवरलैप विद द 3p ऑर्बिटल ऑफ नेक्स्ट क्लोरीन, अगले क्लोरीन के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। तब क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है BE, ये क्या है CL, और इधर भी क्या है CL। तो ये जो पहला, इसको हम क्या मान लेते हैं 1, इसको क्या मान लेते हैं 2। तो पहला सीएल जो है वो कैसे ओवरलैप किया है, पहला सीएल 2s बेरिलियम का और सीएल का कितना है 2pz, तो इसको जरा आप ओवरलैपिंग मेंशन करें, कितना होगा 2s एंड एंड क्या होगा 3pz, ये क्या है ओवरलैपिंग। दूसरा क्या है 2p है और इसका क्या, अगले क्लोरीन का क्या हो जाएगा, दैट इज 3pz। तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना 2p और इधर कितना हो जाएगा बताएं, इधर कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 3pz। ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां देखते हैं s और p ओवरलैपिंग हुई है, क्या हुई है, s और p ओवरलैपिंग, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, p और p ओवरलैपिंग हुई है। तो होगा क्या, एक बॉन्ड छोटा होगा, एक बॉन्ड बड़ा होगा, मतलब दोनों बॉन्ड आपके सेम नहीं दिख रहे हैं यहां पे। तो यहां पर क्या है कि ये बॉन्ड आपका क्या होगा, छोटा, और ये बॉन्ड क्या है, बड़ा। लेकिन रियलिटी में एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि बीएल से जो सॉरी जो बीई से जो आपके दोनों सीएल जुड़े होते हैं, दोनों सेम बॉन्ड लेंथ के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप बता रहे हैं कि इन दोनों बॉन्ड में डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस नहीं होता, बल्कि दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, दोनों बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, दोनों की सेम होती है। तो वहीं पर ये महसूस किया गया कि जो बेरिलियम का जो ऑर्बिटल है कौन है, 2s और 2p, ये डायरेक्टली ओवरलैप नहीं करते हैं,
पहले आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और इंटरमिक्सिंग करने के बाद ही ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। फिर से बात को समझें, बेरिलियम में ये एसपी है ओवरलैपिंग, ये पीपी ओवरलैपिंग है, तो पीपी ओवरलैपिंग के कारण क्या है, ये बॉन्ड बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, लेकिन रियल में क्या पाया गया, दोनों बॉन्ड क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ होगा कि इसका एस और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया होगा और ओवरलैप करने के सॉरी मिक्सअप हुआ होगा और मिक्सअप होने के बाद ये ओवरलैप किए होंगे किससे, सीएल के साथ, ठीक है। वहीं से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये तो हमने क्या स्टडी किया, हाइब्रिडाइजेशन क्यों स्टडी करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है व्हेन टू आर मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी मिक्स अप, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, जब वो आपस में मिक्सअप होते हैं तो प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन एंड द फॉर्म्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर से बात को समझें, जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है आपस में मिक्सअप होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसी को थोड़ा सा मेंशन करते हुए हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। हमारी बात चल रही थी किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग समझते हुए चलते हैं। When two or more than two orbital of nearly same energy mix up, then equal number of ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी मिक्स अप देन इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी इज फॉर्म्ड फुल स्टॉप द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। वेन टू आर मोर देन टू ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी मिक्स अप देन इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इज फॉर्म्ड that process is called hybridization and formed orbital is called hybrid orbital, ठीक है बेटा। चलिए इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब कितने तरह के hybridization होते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं क्या क्या जरूरी बातें हैं हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी हुई जो हमें पता होनी चाहिए। तो पहले उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। इसको हम हटाते हैं पहले। चलिए बात को आप समझिए, एसेंशियल कंडीशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द हाइब्रिडाइजेशन। पहली बात क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो केवल बॉन्ड फॉर्मेशन के ही समय होता है। अगर आइसोलेट एटम होता है तो वहां पर ऑर्बिटल की कोई मिक्सिंग नहीं होती। फिर से समझे बात को, हाइब्रिडाइजेशन तभी ऑब्जर्व होता है, तभी होता है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होना होता है, मतलब जब एटम कंबाइन करते हैं। दूसरी बात क्या होता है, जब एटम मिक्सअप होते हैं नियरली सेम एनर्जी के, तो उतने ही नंबर में बनते हैं जितने नंबर में हमने यूज किए। तीसरी बात क्या है,
जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका जो टाइप्स होता है वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को बताता है। जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स होता है वो ज्योमेट्री को इंडिकेट करता है। और क्या बातें हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, पहला इम्पटी ऑर्बिटल, दूसरा फील्ड ऑर्बिटल और तीसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल, किसी तरह के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और क्या बातें हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो जनरली पी ऑर्बिटल की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस किसका होता है, उसके जो लोब होते हैं लोब में साइज का डिफरेंस होता है, एक छोटा लोब होता है और एक क्या होता है, बड़ा लोब होता है। फिर से बात को समझे, क्या क्या हमने बताया। पहली बात हमने क्या बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ओनली ऑब्जर्व एट द बॉन्ड फॉर्मेशन के समय ही ऑब्जर्व होता है। दूसरी बात क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होता है वो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताता है, क्या बताता है, ज्योमेट्री को बताता है। तीसरी बात क्या होती है कि जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल और इम्पटी ऑर्बिटल, ये सभी क्या होते हैं, इन्वॉल्व हुआ करते हैं। और क्या बताया हमने, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप जो होता है जस्ट लाइक पी, लेकिन एक लोब छोटा होता है और एक क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसी को थोड़ा सा हम मेंशन करते हुए यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। पहली बात हमने क्या बताई, जरा समझें, पॉइंट नंबर वन क्या बताया, दिस इज ऑब्जर्व ओनली एट बॉन्ड फॉर्मेशन टाइम, बॉन्ड फॉर्मेशन के समय ही ऑब्जर्व होता है। दूसरी बात क्या होता है, मिक्सिंग ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीसरी बात क्या है, फॉलोइंग ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन से, हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड इम्पटी। चौथी बात क्या बताया हमने, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। पांचवी बात क्या है, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लाइक पी ऑर्बिटल बट डिफरेंस इन द साइज ऑफ लोब, कैसे, दैट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। चलिए नोट करने जा रहा इसको, चलिए नोट कर लें इसको, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे आपसे, यहां पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे शेप एंड ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री जनरली होता क्या है, उसमें आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सभी इन्वॉल्व कराते हैं। मतलब अगर किसी चीज की ज्योमेट्री बतानी है तो वहां पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर सभी इंक्लूड होते हैं, लेकिन शेप अगर बताना होता है तो वहां पर क्या होता है, केवल बॉन्ड पेयर या बॉन्डेड एटम को ही हम लेकर चला करते हैं। जो आपका ज्योमेट्री होता है इसको प्लेन पेपर पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन शेप को प्लेन पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। अगली बात क्या है, जो ज्योमेट्री है
ज्योमेट्री है वो शेप के बराबर होगा, लेकिन कब, जब लोन पेयर ना हो। इफ लोन पेयर इज जीरो देन शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री। तो क्या क्या बातें हमने बताई इसके बारे में हम बताएंगे। कंसीडर बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, दोनों को लेकर ये चला करता है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। दूसरी बात क्या होती है, ड्रॉ ऑन द प्लेन पेपर, लेकिन इसे प्लेन पेपर पर नहीं बना सकते। तीसरी बात क्या है, व्हेन लोन पेयर इज जीरो देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू क्या होगा, शेप। और अभी इस लेक्चर में हम ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब वीएसएपीआर थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर हम शेप लेकर चलेंगे। ठीक है, सुनोट करें फिर आगे चलते। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का होता है इस बारे में हम बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आपका कौन कौन सा होता है। पहला आपका होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा होता है एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, चौथा होता है एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन, फिर होता है एसपी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन, और फिर होता है आपका एसपी थ्री डी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। फिर से बात को समझें आप, पहले एसपी हाइब्रिडाइजेशन जिसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, दूसरा होता है एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन जिसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, तीसरा आपका क्या है एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन जिसको आप टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, फिर आपका आता है एसपी थ्री डी, और फिर इसके बाद आता है एसपी थ्री डी टू, और फिर क्या है एसपी थ्री डी थ्री। तो टाइप्स के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो टाइप्स में पहला कौन सा है एसपी, और इसको और क्या बोलते हैं, दैट इज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा जो दिया है एसपी टू इसे क्या कहते हैं, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा जो होता है दैट इज एसपी थ्री इसे और क्या कहा जाता है, दैट इज टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, और चौथा जो होता है आपका एसपी थ्री डी। ठीक है, यहां पर कोई स्पेशल नेम नहीं है। और पांचवा क्या है, दैट इज एसपी थ्री डी टू, फिर इसके बाद क्या है एसपी थ्री डी थ्री। ठीक है, दीज आर टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, वन बाई वन हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए नोट करें आप, पहले हम बात करेंगे आपसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, व्हेन वन एस एंड वन पी, एक एस और एक पी ऑर्बिटल जब आपस में मिक्सअप होते हैं तो दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। फिर से बात को समझे, व्हेन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल, एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होकर दो सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिट एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम समझते चलते हैं। जैसे हमारे सामने दिया हुआ है एस पी के पूरे आप ड्रॉ करें, पी के क्या करते हैं पूरे ड्रॉ करें, तो पहली कंडीशन क्या होगी बेटा, पी एक्स, फिर क्या होगा पी वाई, और फिर क्या होगा पी जेड। यहां पर क्या है, एक एस और एक पी आपस में क्या होंगे, मिक्सअप होंगे, और मिक्सअप होते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, और एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तब इसका शेप कैसे बनाएंगे जरा समझे आप, इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, और दोनों के बीच अगर हम बात करें तो कितना एंगल है, दैट इज 180 डिग्री, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच कितना है 180 डिग्री, ये क्या कहलाते हैं, दीज आर एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बेटा, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा हम इस बात को और समझते हैं। जैसे हमारे पास BeCl2 दिया है तो बेरिलियम में कितना हो जाएगा, 1s2 एंड 2s2 एंड 2p कितना, जीरो,
एनर्जी मिलेगी, तो क्या होगा 2s1 एंड 2p1, एक एस के और इधर कितना दिया पी के दिया हुआ, ठीक है। और ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे आपस में मिक्सअप होंगे, और मिक्सअप होंगे ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों आपस में मिक्सअप होंगे तो क्या बनाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हो जाएगा क्या, बेरिलियम हमने बनाया एक ऑर्बिटल से, आप इधर बनाए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आपके पास क्या सीएल है, सीएल के कितना होता 17, तो लास्ट में कितना हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 एंड 3p5, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो जो कमी है वो क्या करेगा इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये क्या करेगा इसके साथ यहाँ पे ओवरलैप करता, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ओवरलैपिंग कौन सी है, sp p ओवरलैपिंग, कौन सी बेटा sp p ओवरलैपिंग, यहां पर कौन सी होगी sp p ओवरलैपिंग, कैसे, क्योंकि बेरिलियम में जो ऑर्बिटल है वो कौन से ऑर्बिटल हो गए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल है p, तो क्या हो जाएगा sp p ओवरलैपिंग, sp p ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहां पर s करेक्टर कितना होता 50% और p करेक्टर कितना होता दैट इज ऑल्सो 50%, ठीक है। तो इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। दूसरा जो हम लोग लेते हैं क्या, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगला कौन सा है sp2, या हम कह सकते हैं ट्राइगोनल, ठीक है। यहां पर क्या होता है जरा समझे, एक s और दो p ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होकर 3 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और वहां पर शेप कैसा होता है ट्राइगोनल प्लैनर होता है, सेम कैसा होता है ट्राइगोनल प्लैनर होता है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो एक s और दो p ऑर्बिटल और ये आपस में मिक्सअप होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है, दैट इज sp2, क्या कहलाता है बेटा sp2। तो इसका शेप जरा देखें आप, ठीक है, शेप अगर हम बात करें इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं बॉन्ड एंगल कितना होता है दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एक एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बात को और समझते हैं। जैसे BF3 हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो यहाँ बोरान का जरा आप बनाए कितना होता है 5 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें कितने दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितना एक इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए हाफ फिल्ड 3 चाहिए। तो होता है क्या है जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या है, ये 2s है, ये क्या है 2p, तो यहां पर क्या हो जाएंगे 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट कर जाएगा कहां पे 2p में, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल बी द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर क्या होता है आप बोरान का बनाएंगे, फ्लोरीन का आप थोड़ा सा दिखा दें कितना 9 कितना हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p5, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाएंगे हम, ये बोरॉन ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा और ये क्या है तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, बाकी ये थोड़ा सा आप इसके दूसरे लोब बना दें। फिर इसके बाद क्या होता है, जो फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा इसके साथ, ठीक है, क्या करेगा ओवरलैप करेगा, थोड़ा यहाँ स्पेस कम होने की वजह से छोटा लोब हम बना रहे हैं। अब यहां पर देखें कैसी ओवरलैपिंग है, दैट इज द sp2 p ओवरलैपिंग है, कैसी बेटा sp2 p ओवरलैपिंग, इसी तरह से यहां पर sp2 p ओवरलैपिंग, यहां पर भी क्या है sp2 p ओवरलैपिंग, और यहां पर जो शेप होता है वो कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, कैसा होता है
ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जैसे आप थोड़ा सा इसको समझ लें, ठीक है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपका बोरॉन दिया है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है, बोरॉन दिया है, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो ये क्या कहलाता है, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और क्या होता है, जो एस करेक्टर होता है इसमें, अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर देखें तो यहाँ पर एस करेक्टर कितना हो जाएगा, 33%, और पी करेक्टर कितना हो जाएगा, 66 पॉइंट कितना पता है, 6%, 4 कर दें यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा इतना। चलिए नोट करें, फिर आगे चलते। इसी तरह से क्या होगा, sp3 पर बात हो जाए, थोड़ा सा sp3 अगर हम लेते हैं तो एक s, और क्या होगा, 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होकर क्या करते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम लोग और क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, sp3, और इसको और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा, एक एस और 3p ऑर्बिटल, एक एस और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे, तो यहां पर कैसे बनेगा शेप, जरा आप समझें, यहां पर हो जाएगा, ये हमने कार्बन का ले लिया, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, और एक ऑर्बिटल ये है, ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल मेंशन कर दिया, और ये हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, दैट इज द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कार्बन का बना सकते हैं, कार्बन में एच एच और एच एच, और बाकी आप हाइड्रोजन के साथ क्या करें, इसकी ओवरलैपिंग दिखा दें, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, इसकी ओवरलैपिंग दिखा दें, हर एक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp